हमने विस्कस फोर्स की स्टडी की थी, जिसमें कि हमने पढ़ा था लिक्विड लिक्विड लेयर्स के फोर्स के बीच में, ठीक है, जिसका फॉर्मूला 6 पाई ईटा आरवी था, और एक मिनट, उसके बाद मैं क्या बता रहा था, फिर हम लोगों ने बात की थी लिक्विड के अंदर के, फिर हम लोगों ने पढ़ा था स्टोक्स लॉ के बारे में। स्टोक्स लॉ हमने देखा था जो विस्कस फोर्स था सॉलिड के ऊपर, वो दो केसेस में हमने कैटेगराइज किया था, एक जब सॉलिड लिक्विड के सरफेस के ऊपर ट्रेवल करता है जैसे बोट ट्रेवल करती है, और जब एक लिक्विड जब एक सॉलिड जो होता है लिक्विड के अंदर ट्रेवल करता है। उसमें हमने यूज किया था स्टोक्स लॉ का फॉर्मूला फॉर 6 पाई ईटा आरवी, सिर्फ स्फीयर के लिए पढ़ना था हमको। स्टोक्स लॉ वाले में मीटर नीचे गिरता है, कोई सॉलिड बॉल नीचे पानी के अंदर आर पार होकर के निकलती है, उसकी हमने कहानी पढ़ी थी, उसपे हमने न्यूमेरिकल्स भी किए थे, ठीक है। हमने टर्मिनल वेलोसिटी के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक क्या कहते हैं सरफेस टेंशन के बारे में। ठीक है, तो सरफेस टेंशन एक टॉपिक ऐसा होता है जो कि बच्चों को जल्दी करके समझ में इतना अच्छे से नहीं आता है, ठीक है। फिर भी चलो मैं तो तुम लोग को कुछ वीडियो दिखाता हूँ, ठीक है, अपने एक तुम लोग का मैं वीडियो दिखाता हूँ, 2-3 मिनट की वीडियो है, तुमको उससे अच्छी फील आएगी, ठीक है। फिर मैं तुम्हें कुछ एग्जाम्पल्स दूंगा डे टू डे लाइफ का, ठीक है, लिखवाऊंगा, ठीक है, तब जाकर तुमको ये टॉपिक जो ना बिल्कुल से दिमाग में बैठ जाएगा, और बीच में कोई भी डाउट हो ना सरफेस टेंशन में तो तुम उसको पूछ सकते हो, ठीक है। तुम्हें कोई वीडियो दिख रही है, कोई दिख रहा है क्या स्क्रीन पे? यस सर। हाँ सर। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया।
आवाज तो खुल यहाँ से। बैठिए ना, दुकान तो आगे बढ़ती नहीं है। उसका दे देती हूँ। एक मिनट, ये मेरी आवाज की प्रॉब्लम है यहाँ से। हाँ सुनो ना, मैं क्या करता हूँ, मैं वो वीडियो ना तुम लोग को अलग से भेज देता हूँ, ठीक है? तुम लोग उसको ना लिंक तुम लोग को भेज दूंगा यूट्यूब का, तुम लोग उसको व्हाट्सएप पे देख जाना। मैं तुम लोग को ना सरफेस टेंशन का थोड़ा थोड़ा तुम लोग को पॉइंट्स लिखवा देता हूँ, ठीक है, कि ये क्या क्या होता है, ठीक है? उसके बाद भी किसी को कोई डाउट होगा तो पूछ लेना, और एक बार ना वो एनिमेशन देख लोगे ना तो तुमको क्लैरिटी मिल जाएगी। या मैं तुमको अभी बीच पे ही ना थोड़ा सा समझाने के बाद वो भेज देता हूँ। देखो सरफेस टेंशन के बारे में अभी ना मैं तुम लोग को ग्रुप पे इसका लिंक भेजूंगा। तुम लोग क्या करना, बीच पे जाकर के ना दो तीन मिनट के लिए अमरूद खा लीजिए, जूम छोड़ करके उसकी वीडियो देख लेना, ठीक है? एक बार वो सबसे पहली बात तो क्या है सरफेस टेंशन के बारे में, कि ये प्रॉपर्टी होती है लिक्विड सरफेस की, जो जब जितने पॉइंट्स लिखा रहा हूं ना मैं, वो सारे पॉइंट्स तुम लोग को नोट कर जाने। पहला पॉइंट, इट इज प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड सरफेस, ठीक है, विच इज डिफरेंट फ्रॉम बल्क ऑफ लिक्विड। पहला पॉइंट, ठीक है, ये जो सरफेस टेंशन होता है ना, इट इज बिकॉज ऑफ कोहेसिव फोर्स। वेलकम। तीसरा, इट इज स्केलर क्वांटिटी, उसके बाद इट इज प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड, ठीक है? अलग अलग लिक्विड के लिए प्रॉपर्टी, जैसे कि किसी लिक्विड की डेंसिटी अपने आप में फिक्स रहती है ना, अगर हमने टेम्परेचर नहीं बदला, इंप्यूरिटी नहीं ऐड की, तो किसी प्योर लिक्विड की डेंसिटी हमेशा फिक्स रहती है। उसकी विस्कोसिटी, उसका कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी उसकी एक प्रॉपर्टी होती है जो कि फिक्स रहती है। इन द सेम वे सरफेस टेंशन किसी लिक्विड की अपनी प्रॉपर्टी होती है जो कि फॉर ए गिवन टेम्परेचर, ठीक है, फिक्स रहती है। उसके बाद सरफेस टेंशन जो प्रॉपर्टी होती है लिक्विड की, ठीक है, वो क्यों अराइज करती है जरा देख लो। ये ऐसे मान लो लिक्विड के ऊपर, फिफ्थ पॉइंट लिखवा रहा हूं मैं, ठीक है, मान लो लिक्विड सरफेस पे कुछ मॉलिक्यूल्स है ऐसे करके, ठीक है, और यहां पर अंदर में भी मॉलिक्यूल्स होंगे। तुम्हें क्या लगता है, जो अंदर के मॉलिक्यूल्स है और जो सरफेस मॉलिक्यूल्स है वो दोनों एक ही टाइप के होंगे? नो,
क्योंकि अंदर के मॉलिक्यूल की अगर बात की जाए तो ये वाला मॉलिक्यूल ये इधर खिंचा रहा है, 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 हर एक तरफ इस पे फोर्स लग रहा है। तो इस पे नेट फोर्स कितना हो जाएगा अंदर वाले पे? जीरो हो जाएगा। लेकिन अगर हमने सरफेस मॉलिक्यूल की बात की जाए ना, ठीक है, तो इसको ऊपर खींचने वाला एयर है और नीचे खींचने वाला मॉलिक्यूल ऐसे खींच रहा है, ठीक है, इसको इसको इधर फोर्स लग रहा है, 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 लेकिन ऊपर कोई फोर्स ही लग रहा है। ऊपर अगर एयर लगा भी रहा है फोर्स, तो उसकी फोर्स की वैल्यू एकदम नेग्लिजिबल है, उसको इग्नोर मार दो। तो इस पे अगर देखा जाए तो इसका जो इधर वाला जो फोर्स है, ठीक है, ये तो कैंसिल कर जाएगा। और अंदर क्या होगा, इसका और इसका हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट इधर हो जाएगा और इसका वर्टिकल कॉम्पोनेंट किधर हो जाएगा? नीचे हो जाएगा। मतलब इसका ये हुआ कि जो मैंने फोर्स इस पे ऐसा दिखाया है, रिजल्टेंट फोर्स इस पे कुछ ऐसा होगा, एक ऐसा दिखा दिया मैंने, एक ऐसा दिखा दिया, और इसका रिजल्टेंट फोर्स अंदर की तरफ ऐसा हो जाएगा। ये जितने भी मॉलिक्यूल्स है ना सरफेस पे, ठीक है, सबकी कहानी एक जैसी है। सब पे क्या होता है, एक रिजल्टेंट फोर्स लगता है इनवर्ड, क्लियर, और एक फोर्स लगता है टेंजेंशियल सब मॉलिक्यूल पे, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, ये स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह होते हैं, ठीक है, मतलब स्मूथ होता है। जैसे कैसे स्मूथ होता है, तुम्हारी बॉडी का स्किन कैसे स्मूथ है, ठीक है, कभी पानी के सरफेस को जाकर देखो, एकदम तुमको सपाट दिखता है, फ्लैट दिखता है, जैसे हमारे बॉडी का स्किन कैसे एकदम फ्लैट होता है, ठीक है। अच्छा, अभी तुमको ये बात सुन के समझ में नहीं आ रहा होगा, ये फोर्स से और फ्लैट का क्या रिलेशन है। मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ, जो बच्चे घर पे थोड़ी मेहनत करते घर का काम करते ना, उनको जल्दी समझ में आएगी ये बात। तुम्हारे घर में बेड होगा, ठीक है, वो डब्बे वाला बेड होगा, जिसपे तुम लोग क्या करते हो, गर्मी के टाइम में अपने सारे कंबल अम्बल रख देते हो, ठीक है, और फिर सर्दी में निकाल के उसको ओढ़ते हो। तो जो तुम्हारे घर में जो जब तुम रखते हो कंबल, ठीक है, उस बॉक्स वाले बेड में, या कहीं पे जब तुम ट्रेवल करते हो, तो तुम क्या करते हो, अपने क्या कहते हैं, कोई टॉवल है, ठीक है, तुम उसको रखते हो, मतलब नीचे शर्ट पैंट बिछा दोगे, उसके ऊपर तुम टॉवल रखते हो और फिर तुम सूटकेस को बंद करते हो। जब तुम ये काम करते हो, तुम कभी गौर किए हो इस चीज पे, ठीक है, नहीं किए हो तो एक बार रख करके देखना कि वो पलंग का जो ऊपर का जो होता है ना, वो क्या कहते हैं, जो लकड़ी का जो बना होता है जो बंद करते हैं, या सूटकेस का जो कवर होता है जो बंद करते हैं हम लोग, वो अगर तुम कपड़े को अगर ऐसा रखोगे ना, अगर, ठीक है, मुचूड़ करके, वो बंद नहीं होगा, है ना। तुम कपड़े को तुम रख के, तो तुम क्या करते हो, तुम पहले क्या करते हो, उसको अपने हाथ से, ठीक है, जो कपड़ा ऐसा है ना, ठीक है, तुम पहले उसको अपने हाथ से फैलाते हो, ठीक है, फैलाओगे तुम उसको ऐसा, तो वो कुछ ऐसा हो जाएगा। और फिर तुम क्या करते हो, उसको अपने हाथ से जोर से दबाते हो, ठीक है, जब तुम एक बार फैलाते हो और फिर हाथ से दबाते हो, तो वो जो कपड़ा होता है ना, बिल्कुल से फ्लैट हो जाता है, ठीक है। एक बार जब वो फ्लैट हो जाएगा, तब तुम उसको वो क्या कहते हैं, फ्लैट होने पे जब तुम उसको ऊपर से बंद करते हो, तो आसानी से बंद हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि तुम उसको फ्लैट करने के लिए क्या करते हो, तुम अपने उसको पाम से थोड़ा फैलाते हो, ठीक है, और फिर तुम उसको पाम से दबाते हो, तो सरफेस कैसा होता है, जो उबड़ खाबड़ वाला सरफेस था, ऐसा जो उबड़ खाबड़ वाला सरफेस था, ठीक है, हाथ के फैलाने से और हाथ के दबाने से ऐसा बन जाता है। कुछ वही कहानी ऐसी यहाँ पर भी होती है कि जो लिक्विड जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, ठीक है, उनको उनपे क्या होता है, हाथ से फैलाने वाला टेंजेंशियल फोर्स हो गया और हाथ से दबाने वाला इनवर्ट फोर्स हो गया, और ऐसा लगाने से जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स ऊपर वाले सरफेस के, अभी शायद तुमने थोड़ी वीडियो देखी भी हो, ठीक है, जो तुमने देखा था लिक्विड मॉलिक्यूल तरीके से ऊपर वाले सरफेस पे ऐसे होने चाहिए थे, ऐसे होने चाहिए थे लिक्विड मॉलिक्यूल, ठीक है, ऐसे 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 होने चाहिए थे, ठीक है, जैसे हमारा एक कंबल या एक या टॉवल जिसको हम रखते हैं सूटकेस में, उबड़ खाबड़ होता है, ठीक है, वैसे उबड़ खाबड़ होता है, ठीक है, एकदम देसी भाषा में। जब हमने उसको, जब लिक्विड के अंदर उस पर लगता है टेंजेंशियल फोर्स, ठीक है, और एक इनवर्ट फोर्स लगता है, तो ये उबड़ खाबड़ वाला जो सरफेस होता है, ये एकदम से अपने आप को
ऐसे कर लेता रहे जैसे कि मान लो इसके ऊपर किसी ने कोई आयरन चढ़ा दी हो, ठीक है। आयरन में भी क्या करते हैं हम लोग, आगे देखो टेंजेंशियल लगाते हैं और ऊपर से भारी आयरन होती है तो दबाता भी है तो कपड़े को कैसे फ्लैट कर देते हैं, ठीक है। क्या भी ऐसा ही होता है, टेंजेंशियल फोर्स और दबाव की वजह से ये सर्फेस कैसा हो जाता है, बिल्कुल से फ्लैट हो जाता है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? सरफेस टेंशन लिक्विड सरफेस को फ्लैट करता है, ठीक है, उसको एकदम से सपाट कर देता है, ठीक है। किस वजह से? एक ऐसी फोर्स की वजह से जो टेंजेंशियल भी होती है और जो इनवर्ड भी होती है। बताओ सरफेस टेंशन का काम क्या था, सबको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अभी उस दिन बहुत दिक्कत आ रही थी बच्चों को, अब देखो आया कि नहीं आया? हाँ सर, ठीक है। उसके बाद देखो सरफेस टेंशन इट इज प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड, ठीक है। तो इट अराइजेस बिकॉज सरफेस मॉलिक्यूल हैव टेंजेंशियल एज वेल एज इनवर्ड फोर्स, ठीक है। दिस फोर्स गिव्स देम stretched membrane structure, ठीक है। उसके बाद सिक्स पॉइंट सरफेस मॉलिक्यूल्स के बारे में भी लिख देता हूँ थोड़ा सा, हैव रिलेटिवली ग्रेटर पोटेंशियल एनर्जी, और सातवां पॉइंट सरफेस मॉलिक्यूल्स आर इन कंटिन्यूअस रैंडम आई मॉलिक्यूलर टर्बुलेंस, ठीक है। सरफेस के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, हमेशा ऊपर नीचे मूव करते रहते हैं, ठीक है। ये हम लोग कहानी बांधे पढ़ लेंगे, इतना सबको नोट कर जाओ, ठीक है। और एक काम करो, मैं ना तुम्हारे ये ग्रुप में एक वीडियो भेज रहा हूँ, वो वाली वीडियो एक बार देख दो। तो अभी क्या, अभी जो है ना सरफेस टेंशन का कभी कभी देख जाओ, ठीक है। 3 मिनट की वीडियो है, ठीक है। जूम को एक बार ये साइड में कर दो और ये वीडियो देख दो। ये बताओ सरफेस टेंशन डेरिवेशन तुम लोगों को समझ में आ जाएंगे, ठीक है। ये सरफेस टेंशन की एक बार फील तुमको जब तक नहीं आएगी तुमको पढ़ने का मजा नहीं आएगा, और इसकी फील जो है ना इतनी आसानी से आती नहीं है, ठीक है। थोड़े एग्जाम्पल थोड़ी वीडियो देख करके ना दिमाग में तुम्हारे बैठ जाएगा। सबको इसको देख दो पहले वीडियो, भी
देख रहे हो वीडियो? कॉम्प्रेशन रेजिस्टेंस मतलब हो गया कि इस पे इनवर्ट फोर्स तो लगता है, ठीक है, लेकिन क्या होता है ऐसा है, ठीक है, इनवर्ट फोर्स लगा तो ये अंदर जाना चाहेगा लेकिन अंदर जा नहीं पाता है क्योंकि नीचे वाले मॉलिक्यूल उसको ऊपर की तरफ धक्का दे देते हैं, ठीक है ना। तो कॉम्प्रेशन हो गया। जैसे तुमको मैंने एग्जाम्पल दिया कंबल का भी, तो मान लो कंबल को जब तुम ऐसा प्रेस करोगे तो इसकी लेयर थोड़ी अंदर धस जाएगी क्योंकि इसके नीचे भी दूसरी लेयर है जो कि उसको अंदर आने से रोकेगी, तो वो कॉम्प्रेशन फोर्स होता है जो कि उसको अंदर आने से रोकता है, ऐसा। हाँ, इंडिविजुअल मॉलिक्यूल लगा है, नीचे वाली रेजिस्ट भी कर रही है, मतलब ये इधर भी लग रहा है, इधर भी लग रहा है, और इधर भी लग रहा है, और इधर भी लग रहा है, और अंदर ही जा, उतना अंदर जा नहीं पाता है ये, ठीक है। हल्का हल्का ऊपर नीचे करे तो करे, ठीक है, लेकिन अंदर इसके लिए जाना मुश्किल होता है पूरा अंदर डेप्थ तक की, बिकॉज ये वाला इसको अंदर के जो मॉलिक्यूल होंगे उसको रोक देंगे ना। सही बोल रहे हो। सबको सरफेस टेंशन का फील आना चाहिए कि सरफेस टेंशन होता क्या है। डेरिवेशंस तो भाई तुम को आराम से कर लोगे, वो तो दो बार चार बार करोगे तुमको याद हो जाएगा वो, लेकिन होता क्या है तुमको मेन इसकी फील आनी चाहिए कि वो सरफेस कैसे स्ट्रेच है।
हो गया सबका, आगे बढ़े, देखो हो गया सबका, यस या नो? यस सर। चलो बहुत बढ़िया, सबको फील आ गई सरफेस टेंशन की, किसी को कोई दिक्कत तो पूछो। ये हमारा सरफेस टेंशन का आपको एक आ गया कि सरफेस टेंशन वैसे होता क्या चीज है। अब हम आगे बढ़ते हैं और सरफेस टेंशन को निकालने के हमारे पास दो तरीके होते हैं। एक तो हम सरफेस टेंशन को निकाल सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ इमेजिनरी मेथड, और दूसरा इसके लिए हम यूज करते हैं रियल मेथड। ठीक है, सरफेस टेंशन को निकालने के कितने मेथड होते हैं? दो मेथड होते हैं, टू मेथड्स। पहला होता है इमेजिनरी मेथड। इमेजिनरी मेथड मतलब एक ऐसा मेथड जो कि हमारे पेन और पेपर पे तो बड़ा प्यारा लगता है, लेकिन इसको हम प्रैक्टिकल लाइफ पे यूज नहीं कर सकते। हम क्या करते हैं कि मान लो कि हमारे पास कोई भी लिक्विड सरफेस है, तो ऊपर से देखिए लिक्विड सरफेस है, ठीक है, और हमने यहाँ पे एक इमेजिनरी लाइन कहीं पर भी ड्रॉ कर दी, कहीं पर भी, और हम देखते हैं ये वाला सरफेस ए सरफेस बी को किस फोर्स से पुल कर रहा है। जो भी फोर्स ए फोर्स से पुल करेगा ना, उस फोर्स को हम क्या करते हैं, इस लाइन की लेंथ से डिवाइड कर देंगे। यह हमें देगा सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड, सिंपल। ठीक है, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ, टोटल फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ, ठीक है, अक्रॉस द इमेजिनरी सरफेस इज कॉल्ड एज सरफेस टेंशन। क्योंकि तुमको ये डेफिनेशन सही बताओ ना, ये डेफिनेशन एक्चुअली फील वाली डेफिनेशन है ही नहीं, ठीक है, इमेजिनरी है, फोर्स अपॉन लेंथ कर दो, दैट इज सरफेस टेंशन। ठीक है, यूनिट यहां से निकाला गया, इसका यूनिट निकाला गया न्यूटन पर मीटर। ठीक है, अब अनगिनत मॉलिक्यूल्स होते हैं, हम हर एक का फोर्स कैसे नापेंगे? ठीक है, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। अगर मान लो मैंने सरफेस यहां पे ड्रॉ कर दिया इमेजिनरी, ठीक है, तो ये वाला फोर्स अगर मैं देखूं तो यहां पर फोर्स की वैल्यू बढ़ जाएगी, अगर लेंथ घट जाएगी, इन सच्चे वे कि एफ बाय हमें कांस्टेंट मिलेगा, और ये किसी भी लिक्विड के लिए कांस्टेंट होता है। ठीक है, वो वैल्यूज तुमको टेबल में दे दी जाती है, तुम्हारे मॉड्यूल में भी दी गई है, तुम्हारे टेक्स्ट बुक में भी दी गई है, ठीक है, और तुमको एग्जाम में भी वो दे दी जाती है, तुम उसको निकाल सकते हो। सेकेंड मेथड टू कैलकुलेट सरफेस टेंशन, सेकेंड मेथड कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है सरफेस एनर्जी। ठीक है, दिस वाज फर्स्ट मेथड, फॉर सेकेंड मेथड वी नीड टू रीड वन टर्म विच इज कॉल्ड सरफेस एनर्जी। याद रखना लिक्विड मॉलिक्यूल्स टॉप पर होते हैं, उनके पास एनर्जी कैसी होती है, ज्यादा होती है, क्योंकि वो ऊपर में होते हैं ना, और ऑब्वियसली बात है ऊपर में होंगे तो वो लोग मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, ये मॉलिक्यूल्स यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स टॉप में होते हैं ना, ठीक है, वो कहीं ना कहीं नीचे वाले अट्रैक्टिव फोर्स को ओवरकम करके ऊपर आते हैं, उनके ऊपर अपवर्ड फोर्स लग रहा होता है ना, तो ये क्या होता है, जो मॉलिक्यूल्स ऊपर आते हैं ना, ठीक है, याद रखना एक चीज, अगर तुम लिक्विड सरफेस की बात करो ना, तो लिक्विड सरफेस में कोई एक लेयर नहीं होती है, एक मॉलिक्यूल ऐसे नहीं होती, लिक्विड सरफेस मतलब होता है वहां पे हम कम से कम चार पांच लेयर ऑफ लिक्विड को मान लेते हैं। ठीक है, तुम एस सी वर्मा की बुक पढ़ोगे ना, मतलब चार पांच लेयर होते हैं, ठीक है, वहां पे, और एक मॉलिक्यूल का डायमीटर कितना छोटा होता है, ठीक है, तो तुम उस पे वहां पे तीन चार लेयर, तीन चार मॉलिक्यूल तो की ऐसे ऐसे लेयर होती है, तो उसको हम लिक्विड सरफेस बोलते हैं। ठीक है, ऐसे तुम नीचे तुम देखोगे ना, तो तीन चार लेयर इसकी थिकनेस देखोगे ना, तो ये तुम्हारा माइक्रोमीटर का भी बहुत छोटा पार्ट होता है, बहुत छोटा पार्ट होता है। तो जो लिक्विड सरफेस टॉप पे होते हैं ना, उनके पास एनर्जी ज्यादा होती है, क्योंकि वो क्या होते हैं, नीचे वाले मॉलिक्यूल्स जैसे वो ऊपर जाते हैं ना, नीचे के मॉलिक्यूल खींचते हैं, और वो इस अट्रैक्टिव फोर्स को ओवरकम करके वो ऊपर पहुंचे होते हैं। तुम कोई चीज को लिफ्ट करते हो, ठीक है, तुम जमीन से कोई चीज को ऊपर उठाते हो, तो अर्थ उसको नीचे की तरफ फोर्स अप्लाई करती है, तुम उसको ऊपर उठाते हो, तो तुमने कोई अट्रैक्टिव फोर्स के अगेंस्ट काम किया उस बॉडी के ऊपर, तो उस बॉडी के पास एनर्जी कैसी आ जाती है, ज्यादा आ जाती है। इन द सेम वे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो नीचे वाले मॉलिक्यूल्स खींचते हैं, वो उसके अगेंस्ट वर्क करता है और ऊपर आ जाता है, तो उसके पास एनर्जी कैसी होती है, ज्यादा होती है। ठीक है, इसलिए हमेशा याद रखना एक चीज, ठीक है, पॉइंट पे लिख देता हूं मैं, मॉलिक्यूल्स ऑन सरफेस ऑफ लिक्विड
हैव ग्रेटर एनर्जी. अंदर वाले मॉलिक्यूल से कंपैरिजन में उनकी एनर्जी कैसी होती, ज्यादा होती है. दिस एनर्जी, ये कैसे, दिस एनर्जी पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड सरफेस एनर्जी. समझ में आ रही बात. सरफेस के मॉलिक्यूल के पास एनर्जी कैसी होती है, ज्यादा होती है, टॉप पे होते हैं वो. ठीक है, अब आगे हम पढ़े अगर कि ये एनर्जी कितनी ज्यादा होती है, कैसे हम उसको निकालेंगे. ठीक है, सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला कैसे डिराइव करेंगे. सरफेस एनर्जी के फॉर्मूले को डिराइव करने से पहले मैं तुमको एक चीज और एक्सप्लेन कर देता हूं कि जो लिक्विड का जो सरफेस होता है ना वो फ्लैट क्यों होता है. तो मैंने तुमको अभी एक्सप्लेन किया था सरफेस टेंशन की हेल्प से टेंजेंशियल एंड वर्टिकल फोर्स कंट्रीब्यूट टू फ्लैटनेस ऑफ द सरफेस. अगर मैं तुमको यही चीज दूसरे तरीके से एक्सप्लेन करूँ सरफेस एनर्जी की हेल्प से, तो कैसे करूंगा. देखो, तो लिक्विड के जो सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ऊपर की एनर्जी कैसी होनी चाहिए, मिनिमम होनी चाहिए. ऊपर की एनर्जी मिनिमम कैसी होगी, कोई भी चीज हमेशा चाहता हूं कि उसके पास मिनिमम एनर्जी रहे, कम से कम एनर्जी रहे. ठीक है, अगर ज्यादा एनर्जी होती है तो वो चीज अनस्टेबल हो जाती है. तुम सोचो अगर मान लो लिक्विड के सरफेस पर अगर मॉलिक्यूल्स अगर ऐसे होते, ठीक है, ये सरफेस पे मॉलिक्यूल्स अगर ऐसे होते और अगर लिक्विड के सरफेस पे मॉलिक्यूल्स अगर ऐसे होते यहां पे, अगर तुम देखो ना सरफेस पे एक के ऊपर एक मॉलिक्यूल चढ़ गया, ये सरफेस है, ये सरफेस है, सरफेस वाले मॉलिक्यूल के पास एनर्जी ज्यादा होगी. मान लो यहां पर एक के ऊपर मॉलिक्यूल चढ़ गया और यहां पे होगा 200 मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल के पास एनर्जी है एक, तो एनर्जी कितनी होगी, 200 हो गई. लेकिन अगर वो क्या होते हैं, ऊपर वाले मॉलिक्यूल नीचे आकर के बैठ जाते हैं, ठीक है, और ऊपर वाले सरफेस पे सिर्फ 100 मॉलिक्यूल बचे, एक मॉलिक्यूल की एनर्जी मान लो ऊपर वाले की एक है, यहाँ पे टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, 100. तो कौन सा सरफेस लिक्विड प्रीफर करेगा, यहाँ पे एनर्जी कम होनी चाहिए. एनर्जी कम कहाँ पर है, एनर्जी कम यहाँ पर है. ठीक है, तो ये सरफेस ऐसा चूज करता है, ठीक है, ताकि वो एनर्जी कैसी हो जाए, वहां पे कम हो जाए. ठीक है, तो दिस इज बाय द लिक्विड सरफेस चूजेस अ फ्लैट सरफेस बिकॉज वहां पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम हो जाते हैं. नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम होने पे वहां पे सरफेस एनर्जी कम हो जाती है. ठीक है, दैट इज अ रीजन. ठीक है, ये लोग हो गई बात की चीज. ठीक है, मैं पे लिख भी देता हूं. लिक्विड सरफेस, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिक्विड सरफेस आर फ्लैट. ठीक है, इन दिस वे मिनिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एडजस्ट ऑन सरफेस देयरफॉर दस सरफेस गेट्स मिनिमम एनर्जी. ठीक है, तो इसलिए सरफेस वहां पे क्या होता है, उस सरफेस का ये होता है. सबको समझ में आ रही बात, मेरे को दिक्कत नहीं किसी को, आगे बढ़े, इसको नोट कर जाओ.
हाँ रिज्वाइन करना अभी फिर से, अभी ख्याल से ये चलेगा, ये ऐसे चलेगा, अभी टाइम नहीं दिखा रहा इस पे, अभी चलती रहेगी क्लास अपने आप बिना इंटरप्शन के। सर हाँ बोलो सर, अभी वीडियो देखा था उसमें बताया कि सरफेस पे डेंसली पैक्ड होते मॉलिक्यूल्स, तो फिर सेम एरिया होगा कोई कंटेनर का मतलब दो लेयर के बीच में, तो ज्यादा मॉलिक्यूल्स तो ऊपर ही आएंगे ना क्योंकि डेंसली पैक्ड है। डेंसली पैक का मतलब क्या होता है? डेंसली पैक का मतलब ये होता है कि वहां पर ऐसा नहीं होता है कि मॉलिक्यूल सरफेस पे जो है वो ऐसे होंगे, ठीक है, ये ऐसे नहीं। डेंसली पैक का मतलब होता है मॉलिक्यूल्स ऐसे होंगे, ठीक है, ठीक है। और ऐसा डेंसली पैक का मतलब ये नहीं कि मॉलिक्यूल एक के ऊपर एक है, ठीक है। ऐसे तो क्या होगा, अगर मान लो मॉलिक्यूल्स अगर थोड़ा सा क्या कहते हैं, अगर ये बोलोगे सरफेस मतलब फ्लैट हो जाता है, कहने का मतलब ये, ठीक है, सरफेस फ्लैट हो जाएगा तो मॉलिक्यूल ऐसे होंगे, मॉलिक्यूल जैसे दूर दूर नहीं होते, ठीक है, वो इनवर्ट फोर्स की वजह से मॉलिक्यूल पास आ जाते हैं, ठीक है। और मैं जो बोल रहा ना, इसका मॉलिक्यूल्स ऊपर के ऊपर नहीं होते, ये कहना चाह रहा हूं, ठीक है, होंगे होंगे आप पास ही होंगे, ठीक है, जगह इनके आप बीच की थोड़ी कम हो जाती है, लेकिन ऊपर के ऊपर नहीं होते, ये कह रहा हूं मैं। सर तो फिर तो एनर्जी तो ज्यादा होगी ना ऊपर वाली लेयर की, ऐसे तो नहीं। देखो अगर ज्यादा कब होती, ज्यादा तब होती ना अगर मॉलिक्यूल ऊपर के ऊपर चले जाते। अगर सोचो मॉलिक्यूल अगर ऐसे होते, ऐसे होते अगर, ठीक है, ये ऐसा हुआ, इनवर्ट फोर्स से क्या हुआ, इनवर्ट फोर्स से ये जो मॉलिक्यूल जो ये मान लो सरफेस है, अगर इनवर्ट फोर्स से क्या हुआ, जो मॉलिक्यूल ऊपर के ऊपर है ना वो अंदर खींचा करके अंदर चले जाएंगे, ठीक है, और ऊपर के जो मॉलिक्यूल है वो ऐसे हो जाएंगे, ये ऐसा, ठीक है। वो वीडियो में ना तुम खाली उसका देखो, स्ट्रेस्ड मेम्ब्रेन है बस, बाकी चीज तुम उतना ध्यान मत दो उस पर, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा वो तो वीडियो है ना, ठीक है, मैंने सिर्फ इसलिए दिखाया था ना तुम लोग को ये दिखाने के लिए, देखो जो मॉलिक्यूल ऐसे दूर दूर थे वो कैसे एकदम से आकर के फ्लैट हो जाते हैं बस, ठीक है, उस पर तुम लोग ये उत्तर ध्यान मत दो, कोई बहुत ज्यादा वो मैं उस पर रिलाई नहीं कर सकता हूँ, पर ध्यान क्या रखना है कि तुमको मॉलिक्यूल्स होते हैं ना ऊपर के ऊपर नहीं होते, वो सरफेस पे आकर के ऐसे हो जाते, बस ये समझना चाह रहा हूँ। अगर ऐसे होते तो एनर्जी ज्यादा होती, अगर ऐसे आ जाएंगे तो एनर्जी कैसी हो जाएगी, सबकी कम हो जाती, एक लेवल पे आ जाते हैं, होते आस पास ही है लेकिन एक के ऊपर एक नहीं होते, ठीक है, क्लियर हो गई बात। तो अब अगर हमसे पूछा जाएगा कि सरफेस एनर्जी का एक्सप्रेशन कैसे निकाला जाए, सरफेस एनर्जी मान लो कि कोई लिक्विड है यहाँ पे, ठीक है, हमने यहाँ पे क्या किया, ये फिल्म लिया, उसको मैं ना इमर्स कर दिया हमने एक सोप के पानी में। सोप के पानी में इमर्स करने से क्या होता है कि ये जो है ना यहाँ पर क्रिएट हो जाता है, एक सोप का फिल्म क्रिएट हो जाता है, ठीक है, ठीक है। तो यहां पे क्या होता है, जैसे हमने क्या किया, इसको पुल किया ना, ऊपर से
ऊपर से इसका व्यू, साइड से देखोगे तो खाली ये लकीर दिखेगी, साइड से लकीर दिखेगी, ऊपर से ऐसा है। अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि हमने ये टॉप व्यू है, ठीक है, अब क्या होता है हमने इसको यहां से पुल किया ऐसे फोर्स अप्लाई करके, और जैसे पुल करते हैं स्लोली पुल करते हैं, ठीक है, स्लोली पुल करने से क्या होता है, याद रखना कभी भी तुम कहीं पे ग्रेविटी चैप्टर में कहीं भी कोई भी चैप्टर पढ़ोगे ना, ऐसा लिखा होगा वी स्लोली मेक द बॉडी मूव, मतलब हमारी एनर्जी कहीं पर भी काइनेटिक एनर्जी में खर्च नहीं हो रही है, हमारी एनर्जी जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं उसपे जो इंपॉर्टेंट चीज है एनर्जी उसी में जा रही है। जैसे जब तुमने ग्रेविटी वाले चैप्टर में पढ़ा था मेक द बॉडी मूव स्लोली, मतलब काइनेटिक एनर्जी में नहीं जा रही है, बॉडी एनर्जी सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी में जा रही है। जब हम यहाँ पर बोलते हैं इट इज पुश पुल्ड स्लोली, मतलब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी में नहीं जा रही है, यहाँ पूरी की पूरी वो सरफेस एनर्जी में जा रही होगी, ठीक है। हमने क्या किया, यहाँ पे फोर्स अप्लाई किया, और फोर्स अप्लाई करने पे क्या करते हैं, ये जो लिक्विड का जो सरफेस है ना उसको हम लोगों ने थोड़ा सा स्ट्रेच कर दिया, जो यहां पर था ना उसको हम लोग यहां पे लेकर के आ जाते हम लोग, ठीक है, इसको हम क्या करते हैं यहां से थोड़ा सा यहां पे लेकर के स्ट्रेच कर लेते हैं। और कितने से ये डिस्टेंस हमने इसको खींचा x से, तो हमने इसको डिस्टेंस x से खींचा, तो यहाँ पर देखो जो सरफेस जो यहाँ से लेके यहाँ तक की था पहले, हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा सरफेस क्रिएट कर दिया। हम उस एक्स्ट्रा सरफेस को ना थोड़ा सा मैं तुमको इस कलर से दिखा देता हूँ, ये हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा सरफेस को क्रिएट किया, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं फोर्स अप्लाइड टू इंक्रीज सरफेस एरिया इक्वल टू हो जाएगा एस इंटू एल, ठीक है। सरफेस टेंशन कितना फोर्स अप्लाई कर रहा है, एस इंटू एल, तो हमने कितना फोर्स अप्लाई किया, एस इंटू एल, बराबर फोर्स अप्लाई किया ताकि हमारा कोई भी जरा सा भी हमारा जो है ना वो काइनेटिक एनर्जी के इंक्रीमेंट में नहीं जाए। Therefore, total work done by external agent equals to हो जाएगा S इंटू एल इंटू एक्स, ये देखो फोर्स से डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट तो एक्स हुआ, इंटू टू, सिंस टू सरफेसेस आर क्रिएटेड, एक ऊपर का सरफेस क्रिएट हुआ एक अंदर का भी सरफेस क्रिएट हुआ। टेक्स्ट बुक तो जब तुम देखते हो, टेक्स्ट बुक जब तुम ऊपर से देखोगे तुमको एक ही सरफेस दिखेगा, क्या उसके पास दूसरा सरफेस नहीं होता है, होता ना नीचे में, ठीक है। जब तुम लिक्विड को ऊपर से देखो तुमको एक सरफेस दिखेगा, नीचे से झांक के देखोगे तुमको नीचे एक और सरफेस दिखेगा, तो दो सरफेस क्रिएट हुआ, एक के लिए फोर्स क्या हो जाएगा एस इंटू एल इंटू एक्स, दो के लिए इंटू टू कर देंगे, देखो वर्क डन क्या हो जाएगा, एस इंटू एल इंटू एक्स क्या हो गया, अपर एरिया इंटू टू हो गया, मतलब नीचे का एरिया, मतलब टोटल इंक्रीज इन एरिया, डेल्टा ए इज टोटल इंक्रीज इन एरिया, ठीक है। क्लियर, इसको हम लोग क्या ले सकते हैं, देयरफॉर ये हमारा हो गया एनर्जी कितना सरफेस पे जाके स्टोर हो जाएगा, ठीक है, जो एनर्जी जाके जो सरफेस पे स्टोर होगा दैट एनर्जी इज कॉल्ड एज द दैट एनर्जी इंक्रीजेस द एरिया ऑफ द सरफेस,
नहीं, एक लेफ्ट पे कैसे होगा? जहां से देखो एक सरफेस ऊपर हो गया, एक सरफेस नीचे हो गया। तुम्हारे पास नोटबुक है ना, अभी नोटबुक देखो, अपनी नोटबुक पे देखो कितने सरफेस है। नोटबुक के अगर तुम मानो नोटबुक को देखो, अपने टेक्स्ट बुक को देखो, कोई भी चीज उठा करके, तो वहां पर कितने सरफेस है देखो, तो वहां पर ऊपर नीचे दो सरफेस नहीं है। आई बात समझ में? देखो भाई, ये बोल रहा हूं कि इसे एक चीज ना, एक चीज खाली मैं कलेक्शन कर देता हूँ। सरफेस एनर्जी मैंने लिखाई थी ना, सरफेस एनर्जी यहाँ पे ना, एनर्जी पेरिमिट एरिया मत करो, डिस एनर्जी इज कॉल्ड सरफेस एनर्जी। खाली देखो सरफेस एनर्जी क्या होता है, सरफेस टेंशन होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है। सरफेस एनर्जी जो होती है ना, वो शायद से एरिया के लिए डिफाइन नहीं होती है। एक मिनट को कंफर्म कर देता हूँ। यहाँ पे ना खाली एक थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, और यहाँ पे एरिया के लिए डिफाइन नहीं होती, खाली वो दिस एक्स्ट्रा एनर्जी इज कॉल्ड सरफेस एनर्जी, ठीक है। वो यूनिट एरिया के लिए डिफाइन नहीं होती, दिस एक्स्ट्रा एनर्जी इज कॉल्ड सरफेस एनर्जी। यहाँ पे सरफेस एनर्जी की डेफिनेशन में जो है ना, वो थोड़ा करेक्शन कर लेना। हाँ देखो, मैं क्या बता रहा था कि अगर तुम्हारे पास मान लो, और रुको एक मिनट, मैं वीडियो चालू करता हूँ, उसके बाद फिर दिखाता हूँ तुम्हें। तो ये डेरिवेशन सिखाता हूँ। एक मिनट,
देखो देखो मान लो अगर जैसे कि अगर तुम ये चीज देखो मानो ठीक है, जैसे कि मान लो कि बुक है ठीक है, अगर तुम यहाँ पर देखो तो इसके पास कितने, ये मान लो ये एंड फिक्स है ठीक है, और ये एंड फिक्स है ठीक है, और यहां से ये जो सरफेस है ना ये ऐसे मान लो जैसे कि मान लो मैं इसे खींच करके बड़ा कर देता हूं, तो ये एंड फिक्स है। जब मैं इसको खींचूंगा ऐसा के बड़ा करूंगा ठीक है, तो ये जो लेंथ तो मुझे यहां पर दिख रही है ये आगे आ जाएगी। अब जब ये आगे आएगी तो यहां पर तुम्हें नहीं लगता दो सरफेस क्रिएट हो गए, एक ऊपर का ये वाला सरफेस का बढ़ जाएगा, बिकॉज ये जो पार्ट यहां पर था ये तो आगे आ जाएगा ठीक है, और जो ये वाला पार्ट होगा वो भी तो आगे आ जाएगा ठीक है, इसकी वजह से क्या होगा ठीक है। ऐसा सोचो ना, मान लो कि ऐसा कोई सरफेस है इस तरह से, जब मैं इसको ऐसा पुल करता हूं ठीक है, ऐसे करके ठीक है, अभी दो सरफेस ही क्रिएट हो गए, एक ऊपर क्रिएट होगा जो तुमको दिख रहा है यहाँ पे, और एक इधर का भी तो होगा क्रिएट। आ रही बात समझ में? समर्थ बोलो हाँ या ना। हाँ सर, बट साइड वाली भी तो इंक्रीज होगी ना, साइड से भी तो साइड वाली, देखो साइड वाली सॉलिड के कॉन्टेक्ट में ठीक है, उसको हम लोग फ्री सर्फेस पे काउंट नहीं कर सकते। सरफेस मतलब क्या होता है, जिसका एक तरफ जो है वो हवा की तरफ खुला हुआ, साइड वाला तो सॉलिड के साथ टच कर रहा होगा ना वो तो। ओके सर, समझ आ गया। ऐसे तो तुम यहाँ पर भी काउंट कर लोगे फिर तो, ये वाले पार्ट है ना। तो लिक्विड अगर हम लेते हैं ठीक है, ऐसे कंटेनर लिया, लिक्विड लिया, सरफेस कहाँ हुआ, ये थोड़ी सरफेस हुआ, ये थोड़ी सरफेस हुआ, सरफेस तो ये हुआ ना जो एयर की तरफ खुला हुआ है। यू कैनॉट काउंट दिस ठीक है, यू कैनॉट काउंट दिस, यू हैव टू काउंट दिस ओनली ठीक है ना। तो वर्क डन क्या हो जाएगा, सरफेस टेंशन इनटू इंक्रीज इन एरिया ठीक है। तो ये जो वर्क हम करते हैं ना ठीक है, ये जो वर्क किया, दिस वर्क इज स्टोर्ड इन सरफेस इन फॉर्म ऑफ सरफेस एनर्जी ठीक है। ऑब्वियस ही बात है, जब हमने पहले सरफेस के पास मान लो मॉलिक्यूल से 100 हमने एरिया बढ़ा दिया, सरफेस पे एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल्स यहां पे कितने आ गए, 20, पहले थे 100 अब हो जाएंगे 120 हो जाएंगे। तो ऑब्वियस ही बात है, पहले एक मॉलिक्यूल के पास एनर्जी 1 थी, सरफेस के पास एनर्जी थी 100, अब पूरे सरफेस के पास एनर्जी हो जाएगी 120। तो हमने जब वर्क किया तो हमने क्या चीज इंक्रीज की, तो आंसर है इंक्रीज द सरफेस एनर्जी। ये एक नई तरह की, जैसे तुमने हीट एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, लाइट एनर्जी पढ़ी थी, वैसे अब तुम एक नई तरह की एनर्जी पढ़ रहे हो जिसको हम लोग कहते हैं सरफेस एनर्जी ठीक है। मोर द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑन द सरफेस ऑफ द मॉलिक्यूल, मोर इज द सरफेस एनर्जी ठीक है। और सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाता है, सरफेस टेंशन इनटू इंक्रीज इन एरिया ठीक है। व्हाट इज दिस, दिस वर्क इज एक्चुअली सरफेस एनर्जी के फॉर्म में चला जाता है। सरफेस टेंशन को डिफाइन करने का एक और तरीका हो गया, डब्ल्यू अपॉन डेल्टा ए ठीक है। सरफेस टेंशन को, ये वाला जो तरीका होता है ये प्रैक्टिकल होता है, मैंने तुमको इमेजिनरी बताया था या थ्योरेटिकल बताया था। सरफेस टेंशन था फोर्स बाय लेंथ, दोनों किसके फॉर्मूले, सरफेस टेंशन, लेकिन ये कैसा प्रैक्टिकल है, तुम पता, तुम फोर्स को नहीं नाप सकते हो लैब में, मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल का फोर्स कितना है, लेकिन तुम ये तो निकाल सकते हो कि हमने कितना वर्क किया ठीक है, हमने कितना एरिया बढ़ाया है ठीक है, कितना जूल हमने वहां पे, मान लो कि मशीन है ठीक है, जिससे हम लोग ये निकाल सकते हैं कि एक छोटी सी मशीन है जो कि फोर्स अप्लाई करती है 0.01 न्यूटन ठीक है, ये हमने फोर्स नाप लिया, हमने एरिया नाप लिया, उस सब निकाल सकते हैं कि कितना एरिया बढ़ेगा ठीक है। उससे हम लोग क्या कहते हैं, ये निकाल सकते हैं, इंक्रीज इन एरिया निकाल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ वो निकाल सकते हैं हम लोग ठीक है।
और उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, सरफेस टेंशन निकाल सकते हैं, और भी इसके न्यूमेरिकल्स आते हैं जहाँ पे थोड़ा प्रैक्टिकल तरीके से देख लेंगे। तो सरफेस टेंशन को डिफाइन करने का दूसरा तरीका क्या हो गया, सरफेस टेंशन इज डिफाइंड एज द वर्क डन पर यूनिट एरिया of a given surface. ठीक है, इसको फटाफट सबको नोट कर दो। सरफेस एनर्जी, सरफेस की के पास जो मॉलिक्यूल्स के पास जो एक्स्ट्रा एनर्जी होती है इसको हम लोग कहते हैं सरफेस एनर्जी। छोटे छोटे क्वेश्चंस कर लेते हम लोग इसके ऊपर। सर एक डाउट है। क्या बोलो सर, आपने पहले लिखा था कि मॉलिक्यूल्स ऑन सरफेस ऑफ लिक्विड हैव ग्रेटर एनर्जी, और फिर आपने लिखा था लिक्विड सरफेस आर फ्लैट इन दिस वे मिनिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एडजस्ट ऑन सरफेस दस सरफेस गेट्स मिनिमम एनर्जी। ठीक है सर, मिनिमम एनर्जी भी और ग्रेटर भी मतलब समझ नहीं आया। मतलब देखो मिनिमम एनर्जी का मतलब ये हुआ ना कि उनके पास एनर्जी ज्यादा होती है, ऑब्वियस ही बात है। सरफेस के पास जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनके पास एनर्जी कैसी होती है, ज्यादा होती है। लेकिन अगर सरफेस के पास एनर्जी ज्यादा होती है तो वो क्या करेंगे, वो ऐसा करेंगे ठीक है कि वो अपने सरफेस को सपाट कर लेगा, फ्लैट कर ले कोई प्रॉपर्टी से, तब तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम होंगे, तब उनकी एनर्जी वहां पे कैसी होगी, कम हो जाएगी। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल ले लो, कैसे समझाता मैं, मैं ये सरफेस के पास ऑब्वियसली बात है एनर्जी कैसी होती है, सरफेस मॉलिक्यूल की एनर्जी कैसी होगी, मोर होगी, नो डाउट ठीक है। लेकिन अगर मान लो अगर एनर्जी ज्यादा होगी और यहां पे अगर मान लो मॉलिक्यूल्स अगर ऐसे हैं ठीक है, यहां पे मान लो 200 मॉलिक्यूल्स ठीक है, और सरफेस टेंशन की वजह से क्या होता है मॉलिक्यूल की एक ही लेयर बनती है ताकि वो अंदर इनवर्ट फोर्स की वजह से ताकि वो ऐसा पूरा फ्लैट हो जाता है। यहां पर 100 मॉलिक्यूल्स है ठीक है, ऊपर वाले मॉलिक्यूल के पास एक्स्ट्रा एक एनर्जी है, एक्स्ट्रा एक मॉलिक्यूल के पास एक्स्ट्रा एक एनर्जी है, नीचे वाले मॉलिक्यूल के पास मान लो अगर एनर्जी अगर 0.1 है ठीक है, तो इसके पास 1.1 है, ऐसा एक्स्ट्रा कितनी है, एक है। अब बताओ मेरे को कौन सा, यहां पर अगर 200 मॉलिक्यूल अगर आ जाते हैं ठीक है, तो कितनी एनर्जी 200 × 1 हो जाएगी एक्स्ट्रा, यहां पर अगर 100 मॉलिक्यूल्स है तो 100 × 1 हो जाएगी एक्स्ट्रा, तो कौन सा सरफेस बंदा प्रेफर करेगा यहाँ पर, फर्स्ट की सेकेंड, दूसरा मॉलिक्यूल के पास एक मॉलिक्यूल के पास एनर्जी एक्स्ट्रा होती है ठीक है, लेकिन सरफेस हमेशा चाहेगा कि मॉलिक्यूल्स वहां पर कम हो ताकि टोटल एनर्जी वहां पे कम हो जाए। मॉलिक्यूल के पास एनर्जी एक्स्ट्रा होगी होगी, गारंटीड बात है ये तो ठीक है, लेकिन सरफेस क्या चाहेगा, सरफेस देखेगा बोलेगा कि नहीं मेरे पास यहाँ पे एनर्जी कम होनी चाहिए, अब मॉलिक्यूल की एनर्जी तो कम हो नहीं सकती है ठीक है, तो सरफेस अपनी एनर्जी कैसे कम कर सकता है, वहां पे मिनिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रहकर एनर्जी को कम कर सकता है ना। आड़ी मेरी बात समझ में, हाँ सर, मतलब स्टेबल हो जाता है एक बार लिक्विड, उसके बाद फिर मिनिमम एनर्जी होती है, स्टेबल हो जाएगा तो वहां पे फिर वो पूरा फ्लैट हो जाएगा ठीक है। मान लो कि छत पे ठीक है कुछ लोग आते हैं ठीक है, अब छत पे जो लोग आएंगे उनकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी, अब एक आदमी की जो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो नीचे वाले की पोटेंशियल एनर्जी से मान लो 100 एक्स्ट्रा है, अब मैं बोलूंगा कि नहीं यहाँ पर जो लोग खड़े हुए ना यहाँ पे उनके पास कम से कम यहाँ पे टोटल एनर्जी के लोग यहाँ पे कम से कम होना चाहिए बिकॉज यहाँ पे डेंजर है, तो मैं एक आदमी की एनर्जी तो कम नहीं कर सकता बिकॉज वो तो MGH एक्स्ट्रा फिक्स होगी, लेकिन हाँ मैं क्या कर सकता हूँ, मैं बोलूंगा कि नहीं भाई एक आदमी का तो नहीं कम हो सकता है, तो तुम एक काम करो यहाँ पे नंबर ऑफ पीपल जो खड़े होंगे वो कम कर दो
ठीक है, तो मैंने बोला कि जहाँ जहाँ 200 पीपल खड़े हो रहे थे, मैंने उनको बोला कि नहीं यहाँ पे पीपल का नंबर लेस कर दो, तो मैं बोला कि 100 ही लोग खड़े हो। वही बात हो गई यहाँ पे, एक मॉलिक्यूल की एनर्जी कम नहीं हो सकती है, बट सरफेस की एनर्जी कैसे कम कर सकते हैं, बाय रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑन द सरफेस, एंड दिस इज पॉसिबल बाय क्या कहते हैं, ताकि मॉलिक्यूल के ऊपर मॉलिक्यूल ना लगे, ताकि वो सरफेस फ्लैट हो जाए, और सरफेस तभी फ्लैट हमको दिखेगा जब मॉलिक्यूल के एक ही लेयर या मिनिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऐसे करके बनेंगे। ठीक है, हालांकि वहां पे एक लेयर तो दो तीन होते हैं, लेकिन ज्यादा हो जाएगा 100-150 हो जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है ना, किसी को कोई परेशानी सरफेस टेंशन में, सरफेस एनर्जी में, तो पूछ लो, क्वेश्चन सॉल्व करो। ये वाला एक फिल्म है जिसका साइज है 4 सेंटीमीटर × 2 सेंटीमीटर, इसका साइज बढ़ के हो जाता है 5 सेंटीमीटर × 4 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका एरिया इतने से बढ़ के इतना हो जाता है। ठीक है, वर्क डन जो हो रहा है ना, प्रोसेस में हो रहा है 3 × 10⁻⁴ जूल। ठीक है, फिल्म का एरिया इतने से इतना एरिया हो रहा है, वर्क इतना हो रहा है, तो हमें बताना है सरफेस टेंशन की वैल्यू क्या होगा। ऑप्शन है तुम्हारे पास 0.250 न्यूटन पर मीटर, बी 0.125 न्यूटन पर मीटर, सी 0.2 न्यूटन पर मीटर, डी 8 × न्यूटन पर मीटर। सबको इसको फटाफट ट्राई करो। ए, ओके, बाकी लोग भी दो आंसर, सबको दो आंसर, समर चेक करो एक बार। वर्क डन हो जाता है सरफेस टेंशन इनटू इंक्रीज इन एरिया। ठीक है, वर्क डन तुमको दिया हुआ है, सरफेस टेंशन तुमको निकालना है, इंक्रीज इन एरिया निकालना। क्वेश्चन आ चुका हुआ नेट में, ये 2016 में। इंक्रीज इन एरिया क्या होगा, ज्योमेट्री से जो एरिया आता है वो वाला होगा कि उसको डबल करना होगा, जरा ध्यान दो और सबको दो आंसर। सबको नहीं, चेक करो एक बार। हाँ समर्थ, ठीक है, ध्यान दो, जो इंक्रीज इन सरफेस एरिया होता है वो ज्योमेट्रिकल एरिया का डबल होगा। दुर्गा चेक करो एक बार, जो इंक्रीज इन एरिया होगा वो डबल हो जाएगा। पूजन चेक करो, जो बात बोल रहा उसको उस पर ध्यान दो। सबको इंक्रीज इन एरिया पहले निकालो और उसका डबल करो। यहाँ पे कह रहे तो इंक्रीज इन एरिया इक्वल्स टू जगह 2 × 5 = 20 cm² - 8 cm². सही है दुर्गा, बाकी लोग भी तो आंसर 2 × 12 × 24 × 10⁻⁴ m². ठीक है, ये हमारा होता है इंक्रीज इन एरिया। अभी सबको पता है सर क्या कहते हैं कि सरफेस टेंशन क्या था, इंक्रीज इन वर्क डन बाय इंक्रीज इन एरिया। थ्री इंटू टेन बाय 24 ×
वन बाई एट ये करके देखो 0.125 आएगा, ये होगा ऑप्शन। सबको आया कि नहीं आया समझ में? क्या ट्रिक याद रखना है कि अगर मान लो रेक्टेंगुलर फिल्म है, ठीक है, अगर इंक्रीजिंग एरिया है, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ता है, इंक्रीजिंग एरिया का डबल करना पड़ता है। कोई दिक्कत किसी को समझने में? अब ये वाला क्वेश्चन सबको ट्राई करो। बोला क्या है कि लगे कुछ ड्रॉप्स, कितने ड्रॉप है पता नहीं है, ठीक है, कुछ ड्रॉप है सम, कितने हैं पता नहीं है, सम ड्रॉप्स ऑफ लिक्विड, इसका रेडियस क्या है, आर है, कोलिस, कोलिस मतलब होता है जुड़ जाते हैं ये और एक बड़ा ड्रॉप बनाते हैं, टू फॉर्म ए सिंगल ड्रॉप ऑफ रेडियस आर, इसका रेडियस क्या, कैपिटल आर है बड़े ड्रॉप का, इसका वॉल्यूम क्या, कैपिटल वी है, ठीक है, सरफेस टेंशन क्या, लिक्विड का टी है, ठीक है, तो क्या बोला गया, पहला सवाल 4VT थ्री बी टी तो पता फ्लूइड के पूरे चैप्टर में अगर टफ टॉपिक है ना, ठीक है, तो ये सरफेस टेंशन ही है, ठीक है, अदरवाइज फ्लूइड चैप्टर आसान है। अगर कोई जैसे जब बोलते भी बच्चे को भी ये टॉपिक टफ है, उसमें फ्लूइड का खाली सरफेस टेंशन वाला पार्ट ही टफ होता है, बाकी वो भी बस थोड़ा फील आना इसको थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन एक बार तुम उसको ध्यान से सुनोगे तुमको अच्छे से आएगा। इस अब्सॉर्ब इस रिलीज, ठीक है, ड्रॉप मिले और बड़ा ड्रॉप बनाते हैं, ठीक है, तो बताना है इसमें कि क्या जब एनर्जी रिलीज होगी कि एनर्जी इसमें अब्सॉर्ब होगी कितनी होगी। ऐसे सवाल बहुत कॉमनली आते हैं, मैंने ये क्वेश्चन तुम्हें खुद से करके दे रहा हूं, ठीक है, छोटे ड्रॉप है मिलकर के बड़े ड्रॉप बना है, ठीक है, तो उसमें पूछा गया है कि जो एनर्जी जो होगी ना, ठीक है, वो क्या रिलीज हुई कि एब्जॉर्ब हुई है, बी बी बोल रहे हो, नहीं, सी, ये सब अलग अलग आंसर दे रहे हो, तो कोई सेटिंग तो नहीं तुम लोग की, तुम ये बोलना मैं ये बोलूंगा, सी सही है, सही रहती है। चलो देखते हैं हम लोग क्या है। कितने यहाँ पे कितनी एनर्जी रिलीज होगी ना, वो हमको देखना है, ठीक है, क्योंकि तो एनर्जी रिलीज का एक ही फॉर्मूला होता है, ठीक है, सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन एरिया, ठीक है, अगर तो एरिया घटेगा, ठीक है, तो क्या होता है, एनर्जी रिलीज होगी, है ना, सीधी सी बात है, अगर मान लो बड़ा ड्रॉप है, छोटे छोटे ड्रॉप में अगर, ठीक है, हो गया, तो अभी यहाँ पे एरिया बढ़ जाएगा, अगर टोटल अगर एरिया बढ़ जाएगा तो वो एनर्जी लेगा, और अगर एरिया घट जाएगा तो वो एनर्जी क्या करेगा, रिलीज करेगा,
मेरी बात सबको समझ में आ रही है? यहां पे अगर मैं देखू ना ध्यान से, तो इनिशियल एरिया क्या हो जाएगा? इनिशियल एरिया हो जाएगा एन इंटू फोर पाई आर स्क्वायर। फाइनल एरिया हो जाएगा फोर पाई कैपिटल आर का स्क्वायर, ठीक है। अभी यहां पे हमको ये स्मॉल आर कैपिटल आर तो पता है, ठीक है, तो लेकिन हमको यहाँ पे एन नहीं पता है ना, ये एन निकालना पड़ेगा अपने को। तो मैं यहाँ पे क्या ले सकता हूँ, चेंज इन एरिया क्या हो जाएगा, देखो तो फोर पाई, देखो इसका एरिया ज्यादा होता है, छोटे ड्रॉप का एरिया हमेशा ज्यादा होता है, ठीक है, क्योंकि उस पर ज्यादा सरफेस क्रिएट हो जाता है। जब छोटे व्हील के बड़ा बनाएंगे ना, ठीक है, तो सरफेस एनर्जी क्या होगी, घट जाएगी, ठीक है। यहाँ पे एनर्जी ज्यादा होगी, यहाँ पे एनर्जी कम होगी, ज्यादा से कम हो रही है, ज्यादा से कम होगी तो क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी, रिलीज होगी मतलब या तो ए होगा नहीं तो सी होगा। अब ये कितना एरिया कम होगा, कितना एरिया देखो चेंज हुआ, फोर पाई ये हो जाएगा फोर पाई। अभी देखो तो एन आर का स्क्वायर, एन तो पता नहीं अपने को क्या, लेकिन क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ यहाँ पे, अगर एन को हटाना मेरे को यहां से, तो मैं ऐसा नहीं लिख सकता हूँ एन इंटू फोर बाय थ्री देखो अगर मान लो एनर्जी रिलीज एब्जॉर्ब कब होती है, जब एनर्जी पहले ज्यादा होगी बाद में कम हो जाएगी, ठीक है, तो एनर्जी रिलीज होगी, पानी गर्म पानी है बाद में ठंडा हो जाएगा, एनर्जी कम होगी उस पानी की तो एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है, पानी ठंडा है पानी गर्म हो गया, पानी के अंदर क्या हुआ एनर्जी ज्यादा आ गई, तो एनर्जी क्या हो गई एब्जॉर्ब हो गई। बात समझ में आ रही है? देख लो पहले क्या, अगर मैं बोल रहा हूं इफ एनर्जी इंक्रीजेस, एनर्जी ऑफ सिस्टम इंक्रीजेस, इट इज एब्जॉर्ब, ठीक है, इफ एनर्जी ऑफ सिस्टम डिक्रीजेस इट इज रिलीज, ठीक है, छोटे ड्रॉप है, ऑब्वियसली बात है कि एक ही पत्थर लिया तुमने, उसको तुमने टुकड़ों में तोड़ दिया, तो क्या होता है, जो छोटे छोटे पत्थर होते हैं इन सबका वॉल्यूम ऐड कर दोगे ना तो बड़े के इक्वल आएगा, लेकिन इसका जो टोटल सरफेस एरिया है वो तो इससे ज्यादा आएगा। कोई चीज को तुम तोड़ते हो तो सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया सबको मिला करके पहले वाले के सरफेस एरिया से कैसा होता है, ज्यादा आता है। ये बस सरफेस एरिया समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलो यस या नो। टुकड़ों का टोटल सरफेस एरिया ज्यादा होता है, केमिस्ट्री पढ़ा होगा ना कि जिंक होता है उसको जब डालते हैं एचसीएल में टुकड़े करके डालते हैं, छोटे छोटे पीसे डालते हैं, उसके सरफेस एरिया ज्यादा होता है। अब अगर इसको तुम कन्वर्ट करे ड्रॉप में, इसका टोटल सरफेस एरिया इसके सरफेस एरिया से कैसा होगा, ज्यादा होगा, तो इसकी एनर्जी से ज्यादा होगी। अगर इसकी एनर्जी से ज्यादा है तो ये क्या हो रहा है, एनर्जी का लॉस हो रहा है, तो एनर्जी रिलीज नहीं होगी, बताओ। जब ड्रॉप्स छोटे छोटे ड्रॉप्स मिलके बड़ा ड्रॉप बनाएंगे तो टोटल एरिया कम हो जाएगा, तो एनर्जी क्या होगा, रिलीज होगा ना, क्लियर हो गया, समझ में आ रहा। अच्छा, बड़ा ड्रॉप अगर टूट करके छोटे छोटे ड्रॉप बनाएगा
तो एनर्जी क्या होगा, यहाँ पे एनर्जी कम है, यहाँ पे एनर्जी ज्यादा है, तो एनर्जी टोटल एनर्जी ड्रॉप की बढ़ जाएगी, तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, यहाँ पे एब्जॉर्ब होगी। सबको ये बात समझ में आई कि नहीं, बोलो भाई आना। यस सर। चलो बोल दो। फाइनल एरिया क्या हो गया, 4π आर स्क्वायर इंटू माइनस कैपिटल आर स्क्वायर। अब यहाँ पे ये आर स्क्वायर लिखा मैंने, अभी जरा n निकल जाएगा, n इंटू 4/3 πr³। अब ये n के बदले क्या पुट कर दो यहाँ पे, कैपिटल आर क्यूब बाय स्मॉल आर क्यूब। माइनस आर का स्क्वायर कट जाएगा, स्क्वायर बच जाएगा, 4π आर स्क्वायर बाहर आ गया। ठीक है, यहां पे मैं आर क्यूब ले लेता हूँ कॉमन। ठीक है, तो यहाँ पे आर स्क्वायर, तो यहाँ पे एक ही आर बचेगा, सॉरी 1r माइनस 1r यहाँ बचेगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये छोटे बने बड़े में। ठीक है, तो अब इसको मैं यहाँ पे वॉल्यूम दिया हुआ है ना। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या ले सकता हूँ, एनर्जी यहाँ पर रिलीज होगी। ठीक है, तो एनर्जी जब रिलीज होगी तो ये इसको मैं क्या ले सकता हूँ, ऊपर डीजे 3 से मल्टीप्लाई कर दू अगर भाई यहाँ पे, ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई कर दो, 3 के साथ, 3 × 4/3 πr³ कैपिटल भी हो जाएगा ना। देखो तो इंटू सरफेस टेंशन करना पड़ेगा एनर्जी के लिए, तो ये 3 vt/r-r। समझ में आ रही है सबको, गुड क्वेश्चन। ठीक है, एक बार अपने मॉड्यूल से सरफेस टेंशन को अच्छे से पढ़ना, ठीक है, उसे क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ड्रॉप के बारे में पढ़ेंगे, कैपिलरी ट्यूब के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, मैं अभी क्लास एंड कर रहा हूँ, चलो बाय, टेक केयर।